सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग ने देर रात सामान्य ज्ञान ग्रुप ए ग्रुप बी का पेपर भी कैंसिल कर दिया। दरअसल एसओजी की चार्जशीट में सामने आया है कि इन दोनों सब्जेक्ट के पेपर भी आरोपियों के पास मिले थे, जो 21 और 22 दिसंबर को आयोजित किए गए थे। आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा ने सभी सेट के कुल 480 सवाल लीक किए थे, फिर इन्हें शेर सिंह मीणा को 60 लाख रुपए में बेच दिया। बेचे गए पेपर में सवालों का क्रम बदलने के साथ कुछ सवाल और जोड़ दिए गए थे। बता दें कि उदयपुर के कोर्ट में बाबूलाल कटारा सहित तीन के खिलाफ चार्जशीट में शुक्रवार को चालान पेश किया गया था। पेश की गई चार्जशीट में बताया कि आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा ने 24 दिसंबर का ही नहीं, उससे पहले 21 और 22 दिसंबर का परीक्षा पेपर भी बेचा था। कटारा ने तीनों परीक्षा के लिए दो दो सेट तैयार कराए थे। एक परीक्षा के दो सेट में कौन सा पेपर प्रिंट होगा ये कटारा को भी नहीं पता था। उसने तीनों परीक्षा के लिए तैयार सभी 6 सेट 60 लाख रुपए लेकर आरोपी शेर सिंह मीणा को दे दिए। शेर सिंह मीणा ने पेपर का 1 करोड़ रुपए में भूपेंद्र सारण से सौदा कर रखा था। भूपेंद्र सारण के कहने पर शेर सिंह ने पेपर सुरेश ढाका को दे दिया। शेर सिंह ने ही अरुण शर्मा व अन्य सभी को पेपर उपलब्ध करवाया था। बता दें कि एसओजी की पड़ताल में सामने आने के बाद आरपीएससी ने दोनों पेपर निरस्त कर दिए हैं। 8,25,016 अभ्यर्थियों को अब दोबारा परीक्षा देनी होगी। अब ये परीक्षा 30 जुलाई को दो परियों में करवाई जाएगी।